दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा हॉट वाटर सोलर सिस्टम। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये अभी हॉट वाटर सोलर सिस्टम के पैनल्स लगे हैं। उधर से इधर आपको पूरा दिखा देता हूँ, पहले आप एक बार देख लें, फिर मैं इसकी आपको पूरी बताऊँगा ये कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे काम करता है और कैसे इसकी पाइपिंग जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बता दूं, ये जो पैनल होता है ये कोल्ड वाटर को गर्म करता है। गर्म करने के बाद सारा वाटर जो है टैंक में स्टोर होता है, और टैंक में स्टोर करने के बाद वो सर्कुलेट किया जाता है। तो इसका एक इन होता है और एक आउट होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं, जैसे आपको सोलर सिस्टम देख रहे हैं, आपको ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये वाला पाइप, ये इनका, ये जो कोल्ड वाटर आ रहा है ये टैंक से आ रहा है, ये वाला वाटर, ये पाइप देख रहे हैं आप, ये देखें, ये पाइप जो जा रहा है, ये पाइप जो है ये सोलर सिस्टम है, इसके इन में लग गया, ठीक है। इसके अंदर पानी है, ठंडा पानी मतलब नॉर्मल जो पानी आ रहा है, जो गर्म होने के लिए पानी आ रहा है वो पानी है। देखिए ये पूरे पैनल में सर्कुलेट होता है। अब और ये इधर हुआ, और भी पैनल है तो उसमें भी ये पाइप जा रही है। देखिए ये एक उसमें चला गया, उस वाले पैनल में, ये पूरा देखिए वो पैनल पूरा है वहाँ से वहाँ तक, और एक इस वाले में चला गया, इस वाले में, ठीक है। गर्म होने के लिए पानी चला गया, ठीक है। और गर्म होने के, अब मैं बता दूँ ये गर्म कैसे होता है। जैसे ये सोलर ग्लास सोलर पैनल है, तो इसके अंदर ऐसे वैक्यूम की रॉडें बनी होती हैं, गोल गोल ऐसे करके, यूं करके ऐसे सर्कुलर, ऐसे सब में, ठीक है, पूरी वैक्यूम की ऐसे इसके अंदर सर्कुलेट होता है वाटर। उसके अंदर देखिए एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, देखिए ये पाइप इससे जुड़ा है, देखिए, और उधर भी अगर आपको दिख रहा हो वो पाइप जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपस में पैनल जुड़े हुए, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर पानी ऐसे सर्कुलेट हुआ, पानी गया इसके अंदर, सर्कुलेट हुआ, गर्म हुआ। वो रॉड जो होती है, सनलाइट को, जो सूरज है उसकी लाइट को ऑब्जर्व करती है, मतलब उसकी हीट को ऑब्जर्व करती है। एक वैक्यूम उसके अंदर रॉड लगी होती है सोलर की, वो उसके अंदर जो पानी जाता है उसको जो है गर्म करती रहती है। अब पानी धीरे धीरे थोड़ा गर्म होगा, फिर और गर्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, होता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि कम से कम 100 डिग्री तक पहुँच जाता है उसका, 180 जो भी है इसका, फिर उसके बाद वो पानी यहाँ से गर्म होने के बाद निकल जाता है, ठीक है। ये पानी देखिए, ये निकला, ये गर्म पानी है, ठीक है, ये गर्म पानी का है, ये गर्म पानी इधर आया, देखिए यहाँ कलेक्ट हो गया सारा इस पाइप में, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको इन बता दिया था पानी का ठंडा। अब देखिए दूसरा पैनल है इसका भी, ये दूसरा पैनल है, ये वाला जो पैनल था इसका भी गर्म होके यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया, ये गया गर्म होके, ठीक है। एक पैनल ये है, इसका भी गर्म निकलेगा पानी, ठीक है, देखिए ये गया, ये आया, और इस पैनल का भी गर्म पानी निकल के ये आके जॉइंट होके और ये आउट चला गया हमारा, ये पाइप आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये, ठीक है, ये चली गई, ये देखिए ये आउट हो गई, इसमें गर्म पानी जा रहा है, और वो इन हो गई, उसमें ठंडा पानी आ रहा था, सारे पैनल में गया और लौट के इधर आ गया। तो सोलर सिस्टम जो है उसकी टेक्नोलॉजी आपको बता दूं मैं क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर रॉड्स होती हैं, रॉड्स वैक्यूम की जो हीट को ऑब्जर्व करती है, उसके अंदर पानी सर्कुलेट होता है, और पानी गर्म होता जाता है और भी ज़्यादा है, धीरे धीरे वो सर्कुलेट होता है पानी, होता जाता है सब में, ठीक है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा पेपर में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये तो सोलर के, अब मैं इसको आपको टैंक बताता हूँ जहाँ ये पानी स्टोरेज होता है। तो चलिए टैंक भी देख लेते हैं। अब देखिए मैं टैंक पे आ गया हूँ। तो टैंक पे आप देख लो टैंक है ये, ठीक है। तो मैं आगे पाइप बता देता हूँ, पाइपिंग कैसे कैसे। देखिए ठंडा पानी आ रहा है, ये वाला ठंडा पानी आ रहा है। ठंडा पानी आके ये टैंक में गया, टैंक में भी जाता है, ठीक है, उसको टैंक को फुल करने के लिए। उसके बाद ये ठंडा पानी, यहाँ मोटर लगी है। मोटर जो है, मोटर इसलिए लगी है इस ठंडे पानी को प्रेशर के साथ जो है वो सोलर सिस्टम में पहुँचाती है इनको। मैंने कहा था ना कि इनमें जो है वो सोलर पैनल में जाती है, जाता है पानी। तो ये एक ये पाइप आया ठंडा वाला, ठंडा वाला आके इसमें भी गया इसको फुल करने के लिए टैंक को, क्योंकि कभी पानी नहीं है तो टैंक भी फुल होना चाहिए, ठीक है। और फिर आने के बाद वो इसमें आगे चार मोटर जो ऑटोमेशन पे चलती है। चारों मोटर एक साथ नहीं चलती है, दो चलेंगी दो बंद होगी, दो ये चली वो दो बंद होगी, दो ये चली ये वाली बंद होगी, फिर ऐसे ये ऑटोमेशन पे अपने आप चलती रहती हैं हर समय एक एक फोर्स के साथ पानी देने के लिए पैनल के अंदर, जो हमारे सोलर जो हॉट वाटर सिस्टम है जो ना उसमें फोर्स के साथ पानी देने के लिए। तो ये गया, ये जैसे अब मैंने आगे दिखाया था वो पाइप चला गया उधर। अब जो सोलर सिस्टम से पाइप आया वापस, वो पाइप ये है, देखिए ये वाला पाइप ये वापस आया। ये देखिए ये हमारा फिर से टैंक में चला गया, ये वाला पाइप जो है, ठीक है। इसमें गर्म पानी आ रहा है, ये देखिए मैं छूक रहा हूँ इसको, बहुत गर्म है ये यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला इसको छू रहा हूँ, ये ठंडा है, इसमें कुछ फ़र्क ही नहीं है इधर, ठीक है। और ये वाला पाइप जो टैंक में चला गया, ठीक है, देखिए इन और आउट टैंक में चला गया, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे बड़े 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 पाइप हैं ये दो, ठीक है, ये बड़े बड़े पाइप हैं दो। तो इनमें भी क्या है, हमारा गर्म पानी इस वाले से गर्म पानी हमारा जाता है और इस वाले से हमारा ठंडा पानी आता है। इससे गर्म पानी जा रहा है, आ रहा है, मतलब टैंक से इससे भी ले सकते हैं हम गर्म पानी, और इससे क्या है हमारा ठंडा पानी इसमें जा रहा है टैंक में। टैंक में जो होता है स्टोरेज करता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ठंडा पानी भी जा रहा है, गर्म भी इसमें आ रहा है, तो कैसे चल रहा होगा ये। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए जो ठंडा पानी होता है उसका वो बहुत ही हैवी होता है, उसका वेट जो होता है ज़्यादा होता है, और गर्म पानी जो है उसका वेट जो होता है वो हल्का होता है, लाइट होता है। तो हल्के वेट की वजह से जो गर्म पानी है वो ऊपर रहता है, ठीक है, और वहाँ से फिर हम उस वो पानी को वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें मोटर भी चाहिए इस हॉट वाटर को सर्कुलेट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर। तो ये मोटर लगी है, देखें आप ये मोटर लगी है, ठीक है, जो कि VFD के थ्रू ऑपरेट हो रही है, VFD के थ्रू, ठीक है, वेरी लॉक फ्रिक्वेंसी डिवाइस जो है, ठीक है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस जो है, ठीक है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑपरेशन होता है VFD से, और इस VFD के थ्रू ही वो मोटर कितने टाइम के लिए चलेंगी उसका ऑपरेशन भी इससे होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी मेहनत को जाया ना जाने दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आगे तक की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।